2024 में आखिरी दांव लगाया जा रहा है और आखिरी दांव है 8 सीटों पर, जहां बड़े बड़े चेहरे इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और चौथे चरण का मतदान आज होना है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये चौथा चरण आखिरी चरण है और यहां पर वोटिंग संपन्न होने के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आखिरी चरण का मनाज होना है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर सीट पर वोटिंग होगी, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा सीट पर मतदान किया जाना है और इन सभी सीटों पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से क्या कुछ गतिविधियां आज दिन भर चलेंगी, लगातार चुनाव का प्रतिशत क्या रहा बताते चलेंगे आपको और कौन कौन से चेहरे किन किन सीट से दांव पर है अभी उनकी साख ये भी बताएंगे। और आज देश भर की यदि बात करें तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज चौथा चरण है और आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के लिए जनता जनार्दन अपना जनादेश जारी करेगी और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें उज्जैन, खंडवा, खरगोन, इंदौर, शाजापुर, देवास सभी ये वो जगह हैं जहां पर वोटिंग होनी है और इन लोकसभा सीटों की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर 80 रिपोर्टर्स हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए लगातार जो बड़े नेता थे आज उनका कितना प्रभाव लोगों पर पड़ा है वो भी दिखाएंगे और मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। कई सीटों पर, कई बूथ पर मॉक पोल की प्रक्रिया जारी है क्योंकि लगभग 1 घंटे का समय बाकी है। जब 1 घंटे के इस समय में मॉक पोल की प्रक्रिया के साथ सभी जो प्रणाली है उसे दुरुस्त करके रखना है, ईवीएम मशीन, वीवीपैट और सभी जो पोलिंग एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के मौके पर रहेंगे उनके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। और आपको बताते चलें कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है क्योंकि आज 74 प्रत्याशी जो मैदान में है उनकी क्या स्थिति रहेगी, कहाँ वोटिंग क्या कुछ है उस पर पल पल की अपडेट्स हमारे सभी सहयोगी जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 सीटों पर 80 रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर, कहाँ पर कितना प्रतिशत हुआ मतदान, इन सभी सीटों पर होने वाली वोटिंग की प्रक्रिया से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। आज है 13 मई और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस तरह से मध्य प्रदेश का चौथा चरण है और देश भर के चौथे चरण की सीट पर चौथे चरण पर मतदान होना है और यहाँ 8 सीटों पर मतदान होना है जिसमें खरगोन, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर जैसे महत्वपूर्ण सीट्स शामिल हैं। देवास, धार और खंडवा में भी आज वोटिंग होनी है। सुबह